मुझे ऐसा लगता है एक लिरिसिस्ट को पानी की तरह होना चाहिए, वो जिस बर्तन में डाला जा रहा है उस बर्तन का शेप ले ले। क्या बात। तो मैं जब प्रीतम के लिए लिखता हूँ तो मैं प्रीतम बन जाता हूँ, जब मैं सचिन जिगर के लिए लिखता हूँ उनके जैसा बन जाता हूँ, जब मैं हिमेश भाई के लिए तो मैं हैमरिंग कर लेता हूँ, और जब रहमान साहब के साथ दो गाने मैंने लिखे उसमें मतलब वो उनका एक अलग सूफियाना स्टाइल है और उनका अलग तरीका है। तो ये आप जिसके जिसके साथ में काम करते हैं आप सीखते हैं। क्या बात। और मैं मतलब मैचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको समझें और सीखें और उनके साथ फिर देन इट बिकम्स ईजियर। आप कविता, सॉन्ग राइटिंग, इन चीज़ों को समझें, फोक समझें, फोक लिटरे, फोक म्यूजिक से बढ़ के आपको, आप शास्त्रीय कम सुनेंगे चलेगा मगर फोक ज़रूर फोक सुनें, है बहुत है। फोक ज़रूर सुनें बिकॉज फोक का लिरिक राइटिंग बहुत अलग लेवल का होता है, उसमें जो सच्चाई होती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी।